डिफरेंट है। सिंगापुर में क्या हुआ, सिंगापुर आज कैसा है, तो एजुकेशन पे शुरू से ध्यान दिया। वो लोग ये नहीं सोचा कि वोट हमको चाहिए और ये चाहिए, पूरा कंट्री को एजुकेट करो। 10 साल और डिक्टेटरशिप रहनी चाहिए थे आजादी के बाद इंडिया में, तो बेटर होता था। तुम जाके उसका सिंगापुर का हिस्ट्री पढ़ो, देखो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जर्मनी कैसे उस कंट्री को लोग अपलिफ्ट किया और कैसे एजुकेशन के बल पे उस कंट्री को मैथ एंड साइंस के बल पे कैसे आगे बढ़ाया, और आज सबसे अच्छा स्कूलिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर में, फिनलैंड और सिंगापुर, ये दो जगह है जहाँ पे की है। करोड़ की बात नहीं है, 50 करोड़ नहीं होता।